नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। आज का दिन 30 सितंबर 2020 ठीक उसी तरह से याद किया जाएगा जैसे इतिहास में याद किया जाता है 6 दिसंबर 1992 का दिन। तब से भारतीय लोकतंत्र की दशा और दिशा दोनों ने बदलना शुरू किया। तब से यह स्थापित होने का सिलसिला शुरू हुआ कि एक सेक्शन, कुछ भारतीय नागरिक, कुछ विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग कानून से परे हैं। दलितों के लिए इस देश का क्या मायने है? दलितों के लिए कानून व्यवस्था, कानून का राज कैसे मायने रखता है, इसकी भी मिसाल आज का दिन देता है। इसकी एक बहुत खौफनाक प्रेसिडेंस, एक बहुत ही खौफनाक नजीर पेश की गई उत्तर प्रदेश के हाथरस के भूलमणी गांव में। दोनों लिहाज से आज का दिन बहुत ही खौफनाक दिन है। सिर्फ इतना ही नहीं, FCRA कानून में जो संशोधन यह सरकार लाई है वह भी आज ही से लागू हो गया है। यानी विरोध हो, असहमति हो, उसको दबाने का सिलसिला, दलितों के सम्मान और गरिमा का मसला और देश का सांप्रदायिककरण का सिलसिला, सबका जबरदस्त घालमेल आज का दिन हमारे सामने पेश कर रहा है। हम यहां बात कर रहे हैं एक खास दिन की। इस दिन की शुरुआत 3:30 बजे उत्तर प्रदेश के एक गांव में होती है। हाथरस का वह गांव है जहां 14 सितंबर को एक दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। 15 दिन तक वह बहादुर जाबाज लड़की लड़ती रहती है और 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ देती है। और तब जो होता है वह इस तरह से होता है जैसे मानो यह कोई बॉलीवुड सिनेमा हो रहा है, जहां पर बिल्कुल दादागिरी के साथ पुलिस लाश को सफदरजंग अस्पताल से ले जाती है वापस हाथरस, परिवार को भी ले जाती है, दोनों अलग अलग गाड़ियां चलती हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मीडिया के कुछ कर्मी, मीडिया के कुछ सहयोगी वहां उस समय मौजूद थे। हम और आप यह जान ना पाते कि हाथरस की बलात्कार पीड़िता को मरने के बाद उसके परिजनों के बिना किस तरह से रातों रात योगी आदित्यनाथ की पुलिस जला देती है, बिल्कुल एक लावारिस लाश की तरह जला दिया जाता है। और यहां से शुरुआत होती है 30 सितंबर के सुबह की। वहां पर परिवार घर में अपने कैद है, मां बिलख रही हैं, कह रही हैं कि मुझे कम से कम इतना तो अधिकार बनता ही है इस देश में कि मैं अपनी बच्ची का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ कर सकूं। लेकिन योगी सरकार सुनने को तैयार नहीं। देखिए कैमरे में पुलिस कैसे कहती है कि किसकी लाश जलाई जा रही है उसे पता नहीं, DM से बात किया जाए और तब तक लाश फूंक दी जाती है। सर मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का, मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। चल क्या रहा है आपके सामने? थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा। मैं कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता हूँ बोले। नहीं नहीं, कौन ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ। कुछ और चल रहा है मुझे आई डोंट नो। नहीं नहीं, अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इसे बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या। आप इस बारे में DM साहब से पूछना आई है? DM साहब से आपकी बात हुई है? DM साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? DM साहब से बात हुई है आपकी? कितनी DM साहब से बात हुई आपकी? नहीं बात नहीं सही है। सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा। मेरी भी ड्यूटी है, क्या ड्यूटी? आपकी बात DM साहब से हो चुकी है। DM साहब से बात हो चुकी है आपकी? DM साहब से बात हो चुकी है? DM साहब नहीं है, नो बात आपकी हो चुकी है DM साहब से। नहीं कौन सी बात हो गई DM साहब से? आपकी हुई है, आप वही जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर, ये क्या चल रहा है मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार मुझे पता नहीं है। मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में
अटैच हूँ मैं जी। मैं थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। मैं खड़े क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी गांव में ड्यूटी लगाई गई है, कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर। बस मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार। नहीं नहीं, मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, आपके सवालों को जवाब देंगे। नहीं है अथॉरिटी है यहाँ पे, मेरी 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 ड्यूटी है, नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों को। सर आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की। हाँ वो हम कर ही रहे हैं सर। सर मुझको बस ये बता दीजिए ये क्या अंदर है? नहीं नहीं जल रही है बॉडी। अरे वन सेकेंड हटिए, एक सेकंड हटिए हटिए हटिए, एक मिनट। अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार। मैम मैं अंदर नहीं आगे जा रही हूँ, चिंता ही मत करो आप। यहाँ से शुरुआत जिस दिन की होती है उस दिन का सूरज अस्त होता है सीबीआई कोर्ट के इस फैसले के साथ कि 6 दिसंबर 1992 में जो बाबरी मस्जिद गिराई गई उसका कोई आरोपी नहीं है। सारे लोग जिनके खिलाफ मामला चल रहा था, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ये सब आप जानते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे लोग, इनका आरोप कुछ भी साबित नहीं हो पाता। ठीक उसी तरह से जैसे नो वन किल जेसिका, किसी ने भी बाबरी मस्जिद को गिराया नहीं। शायद कल आने वाले कल में बच्चे स्कूल की किताबों में यह पढ़ें कि बाबरी मस्जिद अपने आप ढह गई, या बाबरी मस्जिद थी ही नहीं, पता नहीं किसे गिराया गया। यहां हम आपके सामने जिस वाकये को रख रहे हैं उसने उस तरह का आक्रोश इस देश में नहीं पैदा किया जैसा निर्भया बलात्कार कांड में लोगों के साथ हुआ था। उस समय लोग बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरे थे। इस खबर की तो जानकारी ही बहुत देर बाद मिलनी शुरू हुई। इस बारे में हमने कुछ दलित महिला एक्टिविस्टों से बात की, वो बात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन यहां पर एक बात बताना बहुत जरूरी है कि 14 सितंबर को इस वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ ठाकुर समुदाय के जिन आरोपियों ने यह कुकृत्य किया उन्हें शायद इस बात का पूरा भरोसा था कि यह लड़की बचेगी नहीं। उन्होंने पूरी कोशिश की और बर्बरता की इंतहा देखिए, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसकी जीभ काट दी, उसकी गर्दन तक काटने की कोशिश की गई, दुपट्टा फंसाकर गला मरोड़ने की कोशिश की गई। यह सब कुछ होता रहा इस सभ्य समाज, इस आजाद मुल्क में, और कहीं से भी कोई जुम्बिश नहीं हुई। मुझे बड़ी हैरानी होती है सोचकर कि वह कैसा गांव है। शायद भारत के अधिकांश गांव दलितों के बारे में इसी तरह की घृणा, इसी तरह की नफरत और इसी तरह की यौन हिंसा से भरे हुए हैं, और यह बहुत बड़ा एक नॉर्मल है। और जो पीड़िता के भाई ने मीडिया को बताया वह सबको सुनना चाहिए। और हैरानी की बात नहीं जिस तरह की खबरें धीरे धीरे आ रही हैं, हो सकता है लाश तो रही नहीं, यह भी साबित कर दे यह सरकार कि इस पीड़िता के साथ कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ उसे जान से मारने की कोशिश की गई। इस सरकार में कुछ भी मुमकिन है, और शायद यही वजह है कि पीड़िता का परिवार, और निश्चित तौर पे उसे हमें सलाम करना चाहिए कि इतने घनघोर दबाव के बावजूद वह खड़ा रहा, और वह बच्ची 20 साल की बच्ची इतना बर्बर जुल्म सहने के बावजूद 15 दिन तक संघर्ष करती रही। निश्चित तौर पर यहां पर मांग यही होनी चाहिए कि ये जो थाना है, ये जो महकमा है, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ा हुआ है अपराधियों को बचाने के लिए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जब तक हेड रोल नहीं होंगे तब तक यह महज एक खबर बन जाएगी, और इस खबर से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। आइए सुनते हैं, हमने बात की NCDHR जो दलित मानवाधिकार संगठन है उसकी जो जनरल सेक्रेटरी हैं बीना, उनसे। बीना सीधा सवाल आपसे, हाथरस जो गैंगरेप है और जिस तरह से लड़की को जलाया गया, ये इंसिडेंट कैसे आप देखती हैं? क्यों इतनी बर्बरता और पुलिस और प्रशासन सारा एक साथ क्यों खड़ा हुआ है? जो NCRB का 2018 का डेटा से हमें पता चलता है कि हर दिन 9 दलित महिला का रेप होता है, हर दिन।
जब ये डाटा देखे किसी को एक हाउ टू से एक फीलिंग नहीं आता है कि ये, क्योंकि ये दलित महिला है, हर रोज होता है इनका रेप, इनको तो यही रखा है, इनको तो सबक सिखाना है, ये तो हम हमेशा सुनते हैं ना। जब एक जर्नलिस्ट, आज एक सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा है ट्विटर पे कि इस रेप को आप दलित महिला कास्ट के एंगल क्यों ले रहे हैं, क्यों ना कहे कि एक महिला है उसका अत्याचार हुआ है, लेकिन हम तैयार नहीं है कि सिर्फ एक महिला, क्योंकि अगर आप ये भी कहते हैं कि 50,000 जो 50,000 क्राइम्स अगेंस्ट दलित और आदिवासी समुदाय के ऊपर जो प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज जो कानून है उसके तहत हम हर 2018 का डेटा है, तो आप मुझे कह रहे हैं कि ये जो क्राइम है सिर्फ एक महिला के क्राइम कैसे देख सकते, नहीं, इस क्राइम पे जरूर एक कास्ट एंगल है, अगर वो दलित महिला नहीं थी न, तो ऐसे इतना बहरहमी से नहीं मारा जाएगा उसको, उसका जीप काटा है, उसका हड्डियां तोड़ा गया है, मतलब ये क्या है, हम लोग क्या और क्या तरक्की के बात करेंगे, क्या विकास के बात करेंगे जब हमारे बहनों के ऐसे बहरहमी से, ये तो मर्डर है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो उसके बलबेज उसके शक्ति पे उसने 15 दिन शायद हॉस्पिटल में काफी, मतलब उसका रेजिलियंस से हमें लेकिन ये तो पॉइंट ब्लैंक मर्डर है ना, सरकार इसका एक्सेप्ट कर रही है, ये एक साजिश भी है कि रेप होता है मर्डर होता है और फिर बोलता है कि नहीं नहीं इसका रेप नहीं हुआ है, अभी न्यूरोसर्जन ने रिपोर्ट रिलीज किया है कि उसका रेप का कोई साइन नहीं था, इतना लाइटली इतना मतलब सीरियसली इस क्राइम को नहीं ले रहे, क्या आपको लगता है कि ऐसे ही होना चाहिए? मुझे लगता है कि ए पूरा सरकार और उनके साथ ये जो गुंडे हैं उनके साथ और ये जो पुलिस है, ये तीनों मिलके जो इस लड़की की जान ले लिया है, इनको इन पे मुझे लगता है कि हमें केस जरूर करना है। जब वो जिंदा थी तो उसका कोई मायना नहीं रखता था, जब वो मर भी गई तो उसके बाद भी आपको उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मतलब वो सोच के मैं सोची कि इसका केस बाहर निकल के आया है, लेकिन भाषा जी ऐसे कितने केस हम लोग देखे हैं हरियाणा में, यूपी में तो अभी कोई मतलब इंसानियत ही नहीं बचा है, अब सरकार को छोड़ो वहां के लोगों को भी अभी इंसानियत ही नहीं बचा है, क्योंकि अगर थोड़ा भी इंसानियत होता तो जो जिंदा थी उसको इतना बहरहमी से उसका अत्याचार किया, जब वो मर गए तो उतना तो आपको उनके परिवार को उतना फ्रीडम देना था कि वो उनको करने तो जो करना है, उनको बॉडी रखना था उनके घर में रात भर अगले दिन का, तो उनका इच्छा है, वो भी आप उतना भी आप उनको फ्रीडम नहीं दिया है कि वो अपने तरीके से अपने बेटी को उनको क्या करना है उनके साथ, उतना भी आपने उनको वो हक नहीं दिया है, वो भी हक छीन लिया है। तो ये बिल्कुल रूल ऑफ लॉ खत्म दिखाई दे रहा है अगर दलितों के ऊपर जैसे ये एट्रोसिटीज का मामला आता है। कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है यूपी में, ये पहली बार नहीं है, ये अभी कोविड के बाद भी कितने इंसिडेंट्स हुआ है रेप का, कितने इंसिडेंट्स हुआ है वायलेंस के, क्या सरकार ने कुछ बोला है या नेशनल लेवल या स्टेट लेवल सरकार ने, कोई भी किसी ने बोल कुछ नहीं बोला। यूपी में हाईएस्ट क्राइम्स अकॉर्डिंग टू 2018 500 क्राइम्स ऑलमोस्ट 500 एंड अबव 500 क्राइम के अधिकतर दलित महिलाओं पे हो रहा है अभी यूपी में, इसके बारे में कोई चर्चा करता है? इसके बारे में मतलब योगी जी ने कुछ बोला है कि ठीक है ये गलत है? सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस रामराज की इतनी गूंज हो रही है, निश्चित तौर पर यह रामराज मनुवादी है, निश्चित तौर पर यह दलितों के लिए, दलित महिलाओं के लिए बर्बर राज लेकर आया हुआ है। इस बारे में हमने बात की अभिरामी से, जो कि दलित महिला संगठन के साथ जुड़ी हुई हैं, और वह बताती हैं कि जो तमाम आंकड़े उनके पास हैं वह उत्तर प्रदेश की भयानक हालात को हमारे सामने रख रहे हैं, हम और आप और हमारा महान मीडिया उसे नहीं देखे यह अलग बात है, लेकिन
उत्तर प्रदेश में दलितों की और दलित महिलाओं की जो स्थिति है वह बेहद चिंतनीय है। अभिदामी, जिस तरह से अभी दलित महिलाओं पर हमले बढ़े हैं, हिंसा की वारदातें बढ़ी हैं, और खास तौर से ये जो हाथरस का पूरा मामला हुआ है उत्तर प्रदेश में, इसने बहुत लोगों को परेशान किया है, दुखी किया है, गुस्से में भरा है। आपका संगठन बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, कैसे आप देख रही हैं? सो हमने देखा है ये दो FIR रजिस्टर्ड ऑन द सेम डे, मगर मेडिकल ट्रीटमेंट नेग्लिजेंस हमने अच्छी तरह देख सकते हैं, और अरेस्ट भी बहुत डिले हुआ है। वो सब चारों गैंगरेप वालों को अरेस्ट किया में उसमें भी डिले है, हमको पता है। दो SC ST एक्ट में FIR दर्ज हुआ है 3-5 में, मगर action from the police is very negligent, that we could able to see. ये सिर्फ एक गैंग रेप के केस तरह आइसोलेट में नहीं देख सकते, ये इतना ब्रूटालिटी है। गैंग रेप करने के बाद वो एविडेंस को खत्म करने के लिए उन्हें उनको स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ा है, टंग को काटा है, और उसी तरह उनको इतना स्ट्रगल किया है नेक को, इसी तरह उनको मर्डर करने के लिए पूरा का पूरा अटेम्प्ट है। और इतना दिन वो लोग 15 दिन वो लड़की इतना प्रॉब्लम से रह रही है, उसको देख के बहुत है। आपको पता है एक डेकेड के ऊपर यूपी का NCRB में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड में भी, यूपी रिलेटेड टू क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, दलित विमेन एंड दलित का ऊपर देखे तो UPA फर्स्ट रैंक होता है, रैंक में टॉप लिस्ट में यूपी का रैंक फर्स्ट होता है अट्रोसिटीज में। दिस इज आउट ऑफ रजिस्टर्ड केसेस ओनली आई एम स्पीकिंग, देर आर अनरजिस्टर्ड अनरिपोर्टेड केसेस, देर आर सो मेनी केसेस आर देयर। सो वी सी इन यूपी फ्रॉम 2014 टू 2018 इन द 5 years, इफ यू सी 15% ऑफ केसेस इंक्रीज हुआ रेप केसेस में, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR में 15% ऑफ द केसेस इन द 5 years, देर इज मोर देन 2400 केसेस रिलेटेड टू रेप ऑफ दलित वुमन अंडर SC ST एक्ट। Without SC ST Act, there will be more. But under SC ST Act, there are 2,406 cases are there. But if you see one side, the cases are increasing. Dusra side dekhte to conviction rate abhi bhi 29% hai. Uske upar nahi gaya hai SC ST Act ke andar. Our pendency ka cases, 91% of the cases are pending in 2018 as per NCRB data. This is the recent NCRB data of National Crime Record Bureau. 91% मामले अभी भी लंबित हैं, उनमें कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई आगे मामला नहीं बढ़ा। आप कह रहे हैं कि 91% केसेस लंबित हैं, पेंडिंग है। पेंडिंग, हाँ जी, ट्रायल में पेंडिंग है, कोर्ट में पेंडिंग है, मगर उसमें अभी ट्रायल चल रहा है, मगर उसमें कुछ कन्विक्शन और अक्यूटल कुछ नहीं आया है, सिर्फ 29% ऑफ केसेस में कन्विक्शन आया है, दंड मिला है। एक चीज अभिरामी, इस जो मामला है हाथरस वाले मामले में, जिस तरह से पुलिस ने दलित बच्ची को जलाया और उनके परिवार को भी वहां जाने नहीं दिया, तो ये तो कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है, ये तो फैमिली का राइट बनता है। ये सेक्शन 4 के अंदर SC ST एक्ट में वो पुलिस ऑफिशियल्स को हमने बुक कर सकते हैं, क्योंकि अमेंडमेंट बोलता है विलफुल नेग्लिजेंस। मान लीजिए वो नेग्लिजेंस सिर्फ नहीं है, वो प्रेशराइज्ड है, मगर ब्रूटालिटी ऑफ द फैमिली, इट इज नॉट ओनली आफ्टर द इंसिडेंट, इट कंटिन्यूस इवन 3 बजे के बाद। इतना जल्दी, अगर वो भी शादीशुदा नहीं है, उनका भी कुछ रिचुअल्स होता है फैमिली में सबको, इसी तरह लड़की के अगर सिर्फ उनका घर पे सबको लॉक करके, क्योंकि पुलिस ऑफिशियल हमने आज जाने वाले था फैक्ट फाइंडिंग, मगर 144 लगा दिया करके हमारा सोर्स ने बताया, इसलिए हम नहीं गया है। कर्फ्यू लगा है विलेज पूरा का पूरा, कोई भी रिलेटिव को भी अंदर जाने के लिए नहीं देते विलेज में। इन दोनों महिला नेताओं के साथ साथ बाकी तमाम लोगों ने हाथरस के इस घटना पर अपने अपने कमेंट्स किए हैं, अपना अपना विरोध जताया है और एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है, इस आशा के साथ कि हाथरस की ये जो बलात्कार पीड़िता थी, जिसने बहुत कोशिश की जिंदा रहने की, उसको न्याय दिलाने की कोशिश तमाम लोग मिलकर करते रहेंगे, और इस पर जिस तरह से कोशिश हो रही है लीपा पोती की, वह लीपा पोती हम और आप और यह समाज नहीं होने देगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो तथ्य हमारे सामने आए हैं, जो वीडियोस हैं, जो बयान हैं,
उन्हें हम और आप सुरक्षित रखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 को जो सिलसिला शुरू हुआ बाबरी मस्जिद को गिराने से लेकर, वो 2020 में राम मंदिर के भव्य दिव्य निर्माण में तब्दील हुआ, जो पूरा का पूरा क्रिमिनल एक्ट था बाबरी मस्जिद को गिराने का, वह दूसरे ढंग की भव्यता में समाहित किया जा रहा है। इसमें कोर्ट कैसे काम कर रहे हैं, कैसे फैसले आ रहे हैं, यह हम और आप दोनों मिलकर देख रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र के लिए निश्चित तौर पर यह गंभीर परीक्षा की घड़ी है और इसमें अलग अलग मोर्चों से, अलग अलग जगहों से जो सवाल उठाने का सिलसिला जारी है, उसे कुचलने के लिए भी सरकार बहुत मुस्तैद है। और ऐसे में ही आपसे अपील है, खोज खबर कार्यक्रम के जरिए, न्यूज क्लिक प्लेटफॉर्म के जरिए सच को जिंदा रखने और पूरे ताकत से आपके साथ शेयर करने का जो हमारा हौसला है वह जिंदा रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप देखें, लाइक करें न्यूज क्लिक और खोज खबर। शुक्रिया।